मेरा ये मानना है कि जब जागे तब सवेरा, जब आपको दिमाग में आ जाए कि हम ये कर सकते हैं तब किया जा सकता है। वंस यू डिजायर एंड डेडिकेशन कमिटमेंट टू अचीव इट, यू कैन डू इट। सिंस चाइल्डहुड आई हैव बीन हैवी वेट, सो बेसिकली ड्यूरिंग माई क्लास 3rd एंड 4th आई स्टार्टेड गेनिंग वेट। In my school, I was never an athlete. Because of my weight, I was never indulged in outdoor activities. जब मैं कॉलेज में था तभी से मुझे हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया, मेरा BP जनरली 100-150 होने लगा था, तो उस समय मुझे मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था और पिछले कई सालों से मैं मेडिसिन ले रहा हूँ। जब NPA में मैंने ज्वाइन किया तो आई वॉज 134 kg, और वहाँ का जो रिग्रेस ट्रेनिंग था उसके कारण, और मुझे चूँकि वहाँ पास होना होता है आउटडोर के एग्ज़ाम्स में, तो पास होने के लिए मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट पुट किए थे वहाँ पर, तो मैंने वहाँ पर लगभग 30 किलो वजन कम किया था। बिकॉज NPA में भी मेरा वेट जो मिनिमम पहुँचा था वो 104 किलो था, उस समय भी मैं ओवर वेट था, बट बिकॉज ऑफ वर्किंग इन द डिफ़िकल्ट एरिया वेयर वी जनरली डोंट हैव द टाइम फॉर लुक आफ्टर द फिजिक एंड ऑल, एंड डेफिनेटली माई ईटिंग हैबिट, और आई एम अ फूडी, सो मेरा खाने का शौक बहुत ही ज़्यादा है, सो इस कारण से मेरा ईटिंग पे कंट्रोल नहीं रहा, दैट कॉज्ड मी अगेन टू रिगेन वेट एंड आई वेंट अप टू 138 kg। सो दिस इज़ हाउ आई हैपेंड विथ मी, एंड लाइक देयर आर लॉन्ग पीरियड विच वेयर आई वॉज मेंटेनिंग 130 kg फॉर लॉन्ग, आई वॉज नॉट एबल टू रिड्यूस मच, और रादर मैंने 8 हाफ मैराथन्स भी दौड़े हुए हैं 130 किलो के साथ। मुझे ये लगता था कि मैं इस वेट के साथ मैनेज कर सकता हूँ, और वो भी एक कारक कहीं ना कहीं रहा है जो मुझे वेट लॉस करने के लिए कभी मन में ये ख्याल नहीं आया कि मुझे वेट लॉस करना चाहिए। झारखंड पे एक असाइनमेंट में गया था इलेक्शन के समय, और वहाँ पर मैंने मॉर्निंग वॉक करना शुरू की। जब रिजल्ट आने लगे, मेरा वेट लॉस होने लगा, तो उसने मुझे और मोटिवेट किया, उसके कारण मैं ग्रेजुअली और ज़्यादा वॉक करने लगा। आफ्टर रिड्यूसिंग दिस मच वेट आई रियलाइज कि आई हैव लॉस्ट मसल ऑल्सो, एंड व्हेन आई वॉज गोइंग थ्रू द वेरियस पोस्ट ऑन द फिटर ग्रुप आई रियलाइज कि आई नीड टू रिटेन माई मसल। फिटर इज़ अ वेरी पॉजिटिव कम्युनिटी वेयर पीपल हेल्प ईच अदर, इफ यू पोस्ट एनीथिंग, यू क्वेश्चन एनीथिंग, यू विल गेट वेरी लॉजिकल रिस्पॉन्स, वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। जैसे ही वजन कम हुआ, आई स्टार्टेड लूजिंग वेट, आई स्टार्टेड गेनिंग नॉलेज अबाउट बॉडी स्ट्रक्चर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन, अंडरस्टैंडिंग द BMR, EDE, एंड ऑब्वियसली हाउ टू मेंटेन यूर मसल, हाउ टू रिड्यूस यूर फैट परसेंट, दोज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अ डे टू डे लाइफ which needed to be incorporated by everybody who is looking for a fitter future. मई 20 से मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट की, मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपने डेली रूटीन में इंकॉर्पोरेट किया, और जो फिटर में जो नॉलेज मिलता गया, चूँकि मसल का इम्पोर्टेंस समझ में आया, तो मसल को रिटेन करने के लिए और मसल को बिल्डअप करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और प्रोटीन इनटेक के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। जो मेरा BMR 25 जो एक अचीवमेंट था मेरे लिए, आई नेवर थॉट ऑफ कि आई कैन अचीव दैट इवन इन ड्रीम्स, सो दैट वाज अ बिगेस्ट थिंग फॉर मी, और 94 पहुंच के मुझे मतलब जो खुशी होती है प्रॉपर वो बहुत ज़्यादा हुई। जब मेरा वजन कम हुआ और मेरा BP नॉर्मल हो गया, जो ब्लड प्रेशर मुझे हाइपरटेंशन के लिए मेडिसिन लेनी पड़ती थी वो ख़त्म हो गई, तो मेरे हार्ट को अब कम से कम पंप करना पड़ रहा है, सो दैट इज़ लाइक क्वाइट गुड फॉर मी। My aim is to maintain it, like strengthen my body, increase the muscle percentage and reduce fat percentage a bit further. So that is my goal. I will just request everybody to look for themselves, give some time to themselves every day. They should look after their health. So one can start anytime in their life, and it's never late to start anything.